श्रापित भूतनी। एक घना जंगल था। जंगल में रुदाली नाम की एक भूतनी कांटों के पेड़ से लटक रही थी और उसके सर में पेड़ का बड़ा सा कांटा अटका था। कांटे की चुभन से भूतनी दिन रात चीखती, चिल्लाती, रोती रहती और मुक्ति की याचना करती। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर इंसान। नहीं, तू मुझे मार देगी। नहीं मारूंगी। आदमी मदद करने के लिए करीब जाता है तो रुदाली उसे उठा लेती और खा जाती। जो मदद नहीं करता और भाग जाता, उसे भी वो लंबे हाथों से अपनी ओर खींच लेती और खा जाती। फिर दिन रात रोती रहती। उस जंगल में एक दिन विक्रम नाम का फॉरेस्ट ऑफिसर सैर करने निकलता है। ये रो कौन रहा है? रुदाली नाम की भूतनी है साहब, ध्यान मत दीजिए। उसकी आवाज में दर्द है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम रुदाली के पास पहुंचता है। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। इसकी मदद करो। लेकिन कोई भी सहकारी आगे नहीं बढ़ता तो विक्रम खुद पेड़ के पास जाकर रुदाली के सिर का कांटा निकालता है। रुदाली की चीख आसमान में गूंजती है और रुदाली अत्यंत सुंदर कन्या में परिवर्तित हो जाती है। सौंदर्य देखकर विक्रम मोहित हो जाता है। मुझसे विवाह करोगी? आपने मुझे मुक्त किया है, मैं आपकी ही हूँ। बस मेरी दो शर्तें हैं, रात में भूतनी और दिन में सौंदर्यवती बनकर जीऊंगी और पहले चार बच्चों को जन्म देते ही खा जाऊंगी। कबूल है? विक्रम रुदाली के सौंदर्य में खोकर शर्तें मान लेता है और रुदाली से विवाह कर लेता है। दिन में रुदाली सौंदर्यवती बनकर जीती तो रात में भयंकर भूतनी बन जाती। एक दिन विक्रम के माता पिता उससे मिलने आते हैं। क्या बहू पाई है मैंने, स्वर्ग की अप्सरा है कोई। अब तो भाई हम बहू से सेवा सम्मान पाकर ही घर लौटेंगे। दिन भर रुदाली सास ससुर की सेवा तो करती पर जब रात होती है, बहू जरा मेरे पैर तो दबा। रुदाली आती है और सास का गला दबा देती है। छोड़ छोड़ मुझे डायन, छोड़। छोड़ बहू, छोड़ उसे। विक्रम आता है। छोड़ो रुदाली, माँ है वो मेरी। रुदाली सास को छोड़ देती है। धोखे बस, बहू की जगह डायन ले आया। अब या तो इस घर में हम रहेंगे या वो डायन। पापा मैं मजबूर हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो आज से तू हमारे लिए मर गई। विक्रम के माता पिता गुस्सा होकर निकल जाते हैं। ये क्या किया तूने? भूत हूँ तो और कर भी क्या सकती हूँ। एक दिन अचानक रुदाली उल्टियाँ करने लगी। रुदाली तुम ठीक तो हो? तू बाप बनने वाला है विक्रम। बाप बनने की खुशी में विक्रम रुदाली की दूसरी शर्त भूल जाता है और दिन रात रुदाली का ख्याल रखने लगता है। 9 महीने बीत जाते हैं और वो घड़ी आ जाती है। मुबारक हो, विक्रम बाबू लड़का हुआ है। विक्रम भागता हुआ कमरे में आता है तो देखता है रुदाली बच्चे को खा रही है। जरा इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ? विक्रम गुस्सा हो जाता है। तू भी जरा इंतजार नहीं कर सकती थी? एक बाप को अपने बेटे से मिलने तो देती? तू माँ है या डायन? विक्रम रोने लगता है। मैं डायन ही हूँ विक्रम, ये एक बच्चा था, अभी 3 और बाकी है। अब विक्रम को पछतावा होने लगता है। दर्द बांटने वो अपने पंडित दोस्त के पास आता है। मैं क्या करूँ पंडित, गलती मेरी है। मैं मोह में आकर उसकी सारी शर्तें मान बैठा। माँ, बाप, दोस्त और अपना खुद का बच्चा, सबको खो बैठा। रुदाली को छोड़ दे। यही तो दिक्कत है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। तू चिंता मत कर, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। फिर एक बार वो घड़ी आ जाती है जिससे विक्रम और टूट जाता है। लड़की हुई है लड़की। लेकिन इस बार विक्रम कमरे में नहीं जाता। थोड़ी देर बाद रुदाली बाहर आती है।
बेटी बहुत प्यारी थी। तू क्या जले पर नमक छिड़कने आई है? नहीं, मैं ये बताने आई हूँ कि अब सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं। हंसते हुए रुदाली चली जाती है। विक्रम पछतावे की आग में और जलने लगता है, शराब पीता है, कभी कभी तो घर ही नहीं आता, ऑफिस में ही सो जाता है। इधर रुदाली फिर एक लड़के को जन्म देती है और उसे खा जाती है। 1 साल बाद फिर एक लड़की को जन्म देती है और उसे भी खा जाती है। इस प्रकार रुदाली 2 लड़के और 2 लड़कियों को खा जाती है। एक रात विक्रम घर लौटता है तो देखता है घर फूलों से सजाया था, दिए जल रहे थे, माहौल प्रसन्न था। रुदाली आती है, उसे देखकर विक्रम चौंक जाता है। रुदाली, अभी तो रात है, फिर भी तुम अभी तक भूत नहीं बनी हो, यह सजावट क्या बात है रुदाली? मैं आज श्राप से मुक्त हो गई विक्रम, अब मैं भूत नहीं रही, आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। ये 400 साल पहले की बात है, मैं एक राजकुमारी थी, शिकार करने जंगल गई थी, तब मैंने एक शेरनी मादी देखी जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उन्हें खा गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस शेरनी को बाण से घायल कर दिया, तो शेरनी ने मुझे श्राप दिया। तूने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है कन्या, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू एक भयंकर भूतनी बन जाएगी और कांटे के पेड़ से लटक कर तड़पती रहेगी। मैं डर गई, मैंने क्षमा याचना की, शेरनी को दया आ गई। अनजाने में ही सही, पर भूल तो हुई है तुमसे, मैं श्राप वापस नहीं ले सकती, पर एक उपाय है, किसी ने तुम्हें मुक्त कर दिया और तुमसे शादी की तो तुम्हें तुम्हारे ही जने पहले 4 बच्चे निगलने होंगे, तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारा नया जन्म होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं 400 साल पेड़ के कांटे से लटक कर तड़पती रही, तुमने मुझे मुक्त कर दिया और अगले ही जने 4 बच्चे खाकर मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब हमारी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं हम विक्रम। विक्रम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और रुदाली को गले लगा लेता है। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया, कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी, रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे, मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं, मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो, अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उसे प्यार करती हूँ, इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया।
अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ और वो भी कौन सा, तो सांप। डोंट वरी माई बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप, वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते, हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया जब वो पूरी तरह सो रही थी। तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे, मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ अपनी दुनिया में। मैं करीब करीब 102 साल बिना नागन के रेंगता रहा, अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली।